नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माफ करने का अंदाज क्या था? हम में से कौन ये सोचता है कि आप किस कदर माफ करने में आगे थे? हमारे यहाँ तो ताकत को दलील समझा जाता है कि जो शख्स ताकतवर हो तो उसके पास दलील आ गई कि वो मुखालिफ को जितना भी दबाना चाहे दबा ले, जो भी उस पर जुल्म करना चाहे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक ऐसे दुश्मन को जो छुपा हुआ दुश्मन था अब्दुल्ला बिन उबई, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद से लेकर अपनी आखिरी सांस तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। मैदान उहद में आपने सुना होगा कि ऐन मौके पर वो मुसलमानों की फौज से एक तिहाई लश्कर लेकर अलग हो गए और एक ऐसे पॉइंट पर आकर कि जहां मुखालिफ फौज मुसलमानों को देख रही थी और मुसलमान उनको देख रहे थे और मुसलमान देख रहे थे कि वो बहुत ज्यादा हैं और वो देख रहे थे कि मुसलमान बहुत कम हैं। इस नाजुक मोड़ पर उसने एक तिहाई फौज को अलग कर लिया और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी ताकि मुसलमान बददिल हो जाएं। अगर मुश्किल मकाम पर जहां इंतहाई दबाव हो और वहां आपके लश्कर का एक हिस्सा अलग हो जाए तो बाकी लश्कर में बददिली फैलने का इम्कान होता है। और ऐसा हुआ, कुछ दीगर सहाबा भी बददिल होने लगे लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों को मजबूत किया। इस शख्स ने इतना नुकसान पहुंचाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी जिंदगी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करता रहा हर मुमकिन तरीके से, लेकिन जब ये मर गया, इसका इंतकाल हुआ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता इसको लिए बतौर कफन के भेजा और जनाजे में तशरीफ ले गए, जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार है। वो अलग बात के बाद में अल्लाह ताला ने मना किया और फिर आपने उसके बाद किसी मुनाफिक की जनाजा नहीं पढ़ाई। लेकिन माफ करने का अंदाज देखें कि किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ किया। और ये वही शख्स था जिसने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तलबी अजियत पहुंचाई थी। यानी इसने अपने हाथ, अपने साजिशी हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तक बढ़ाए थे, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको माफ किया और इसके लिए अपना कुर्ता भी भेजा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माफ करने का अंदाज है। हम में से कोई सोचता है अगर किसी को माफ करना हो कि अपने पैगंबर की सीरत को और सुन्नत को इस मामले में हम लागू करें और अगले को माफ करना सीखें। अहले मक्का को किस तरीके से आपने माफ किया? ये वही लोग थे जिन्होंने आपकी साहिबजादी को हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को हालत हमल में, उम्मीद की हालत में सवारी से गिराया था। उनका हमल जाया हुआ और उसी जख्म से बाद में उनकी शहादत हुई। ये आपकी बेटी के कातिल इनमें मौजूद थे और हजरते हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का कलेजा जबाने वाले लोग भी इनमें मौजूद थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी फराख दिली से इरशाद फरमाया कि ला तसरीबा अलैकुम अल्यौम, कि आज तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, तुमसे कोई मुआवजा नहीं किया जाए। तो ये हमें सीखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें माफ करने का कितना बड़ा दर्स मिलता है।